आइए आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखे था नीटिंग में देखिए मैं आप सबके लिए एक चाबी रिंग के लिए ये बना के लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी तो कितनी खूबसूरत सी लग रही है और बहुत ही थोड़ी सी उनमें ये बन जाती है और बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा लगता है देखिए आप इसे मन चाहे चीज़ों से डेकोरेट कर सकती हैं मैंने यहाँ पर मोती लगाया चाहे तो स्टोन भी लगा सकती हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी रिंग लगा दीजिए तो कुछ इस तरह से देखिए आप इसमें पर्स में लगा सकती हैं या फिर बैग में लगा लें आप इसे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए मैंने ओस वाल की फोर प्ले ऊन ली हुई है तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे एक आप चाहे तो चेन बना के भी बना सकते हैं अगर मैजिक रिंग रिंग बनाना आपको तो चेन बना के छः चेन बना ले उसके बाद इसे बनाएं तो इस तरह से मैजिक रिंग लेंगे हम उसके बाद यहाँ से हम तीन चेन लेंगे एक दो और ये तीन तीन चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम अब यहाँ पे क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ से डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे हम एक फंदा क्रोसिया क्रोशिया पे रहने देंगे एक बार हो गया ये दो बार और एक यहाँ पे मैंने चेन बनाए थे तो टो टोटल तीन हो गए तो एक साथ तीनों फंदों को बंद कर देंगे यहाँ पे और एक चेन ले लेंगे तो देखिए एक चेन हमने यहाँ पे ले लिया फिर क्रोसे पे धागा लेंगे और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन इसी पे रहने देंगे यानी पूरी तरह से हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है इस तरह से हम तीन बार धागे को निकालेंगे तो दो बार हो गया एक बार और ये टोटल तीन बार हम करेंगे और एक फंदा हमारा पहले से रहेगा तो टोटल हमारे पास चार फंदे हो जाने चाहिए फिर तब तो हम सारे पंदे को घटाएँगे उसके ले बाद एक चेन ले लेंगे फिर से हम इसी तरह से करेंगे डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे एक बार लिया हमने ये दो बार और ये तीसरे बार डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन पूरा नहीं करना है आपको एक एक फंदा हम क्रोशिया पे ही छोड़ देंगे तो टोटल जब चार फंदे हो जाए चारों को एक साथ हम इस तरह से घटा देंगे उसके बाद एक चेन ले लेंगे इसी तरह से करते हुए हम दस बनाने हैं इसके अंदर तो हमने एक दो तीन बनाए इसी तरह से हम दस बनाएंगे यहाँ पे देखिए दस हमारे डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गए हैं अब इस धागे को छोटा वाला धागा जो है इसे इस तरह से हम खींच देंगे और सबसे पहली वाली चेन पे यहां आ जाके हम इसे जॉइंट कर लेंगे स्टिच से जॉइंट करना है आपको और यहाँ पे धागे को हम काट लेंगे अब यहां से देखिए कलर चेंज करेंगे हम रेड कलर लेंगे हम सबसे पहले गांठ लगा लेंगे अब जो हमने एक चेन लिया हुआ था बीच में गैप है देखिए इस जगह हमें क्रोशिया डालना है इस तरह से और यहाँ पे हम चेन बनाना शुरू करेंगे एक दो और ये तीन चेन लेंगे इसी जगह डालते हुए हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है अब डबल क्रोशिया को हम पूरा पूरा बनाएंगे तो हम इस चेन को काउंट नहीं करेंगे तो एक डबल क्रोशिया हो गया ये दो और ये तीन तीन डबल क्रोशिया कर लिया हमने अब नेक्स्ट में करेंगे हम टोटल हमारे पास दस है तो दस डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह का डिज़ाइन में अब देखिए नेक्स्ट वाली जो हमारी गैप है यहाँ पे एक चेन का जो गैप लिया हुआ था यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से करेंगे एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे फिर इसके बीच में डालेंगे यहाँ पे देखिए एक एक चेन का जहाँ हमने गैप लिया हुआ था उसके बीच बीच में हमें डालते जाते हैं जाना है और यहाँ पे बनाना है हमें इस तरह से तीन तीन डबल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे ये पैटर्न को हम ये टू हो गया और ये थ्री टोटल हम ये दस डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से टेन डिजाइन बनाना है आपको इस तरह से तो चलिए कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो देखिए यहाँ पे हमने दस डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब यहाँ पे बीच में आपको कहीं भी चेन नहीं लेना है विदाउट चेन लेके बनाना है आपको अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे अब देखिए इसके बीच में आएंगे इस तरह से कर लेंगे स्लिप करते हुए इसके बीच में आएंगे हम यहाँ पर तो एक बार स्लिप किया हमने ये दो बार और यहाँ तीसरा तीन बार स्लिप करते हुए बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए चेन बनाएंगे वन टू और ये थ्री क्रोसे पे धागा लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम थ्री डबल क्रोसिया चेन को काउंट नहीं करेंगे टू डबल क्रोसिया हो गया और ये थ्री डबल क्रोसिया यहाँ पे हम चार डबल क्रोसिया बनाएंगे पहले देखिए एक बनाएंगे दो फिर यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको देखोग हमारा फिर लेंगे वन डबल क्रोसिया ये टू डबल क्रोशिया है थ्री डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट पे लेंगे कहीं भी चेन नहीं लेना आपको यह ध्यान रखना है आपको वन डबल क्रोशिया है टू डबल क्रोशिया है थ्री डबल क्रोशिया है वन टू थ्री पैटर्न हो गए हमारे अब यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे भी करेंगे हम वन डबल क्रोशिया है टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोसे तो देखिए डिजाइन हमने बना लिए वन टू थ्री अब देखिए किस तरह से करना है क्रोसे पे धागा लेंगे एक डिज़ाइन हम स्कीप कर देंगे ये डिज़ाइन हम छोड़ देंगे इसे नहीं बनाएंगे इसके बगल में बनाएंगे यानी फिफ्थ नंबर में जो हमारे हैं इसे छोड़ देंगे सिक्स नंबर पे हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से वन यहाँ भी हम काउंट करते हुए चार बार बनाएंगे ये दो हो गया ये तीन एक डिज़ाइन हुई हमारी अब यहाँ इसके बीच में डालेंगे यहाँ पे, जिस तरह से मैंने उधर चार डिज़ाइन बनाई इधर भी हम चार डिजाइन बनाएंगे पहली राउंड में हमारी दस थी उसके बाद आठ हो जाएगी उसके बाद छः देखिए इसी तरह से करते हुए जाएंगे तो एक दो हो गया यहाँ पे बनाएंगे ये दो डबल क्रोसिया और ये तीन डबल क्रोशिया तो देखिए एक दो तीन हो गया अब यहाँ पे डालेंगे एक दो और ये तीन टोटल इधर भी हमारी चार डिज़ाइन बन गई देखिए एक दो तीन चार उसके बाद देखिए पांचवा वाला जो हमारा है ये इसे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे इसे स्लिपी स्टिच कर लेंगे इसे छोड़ देना है पांचवा वाला और यहाँ पे आके स्लिप स्टिच कर लेंगे ऊपर में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन जाएगी अब देखिए स्लिप करते हुए हम इसके बीच में आएंगे यहाँ पे आएंगे तो स्लिप करते हैं पहले एक बार स्लिप किया ये दूसरा बार अब यहाँ पे डालेंगे ये तीसरा बार अब यहाँ से हम चेन बनाना शुरू करेंगे एक दो और ये तीन अब इस लाइन में हम तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे तीन डिजाइन यानी एक यहाँ पे ये यह दूसरा और ये तीसरा फर्स्ट राउंड में हमने टैन बनाए थे उसके बाद उसके दोनों साइड एक एक छोड़ दिया हमने तो देखिए यहाँ पे कितनी बनी थी एक दो तीन चार अब इसके बीच में आ गए तो यहाँ एक बनेगी एक यहाँ एक यहाँ तो यहाँ पे तीन बनाएंगे हम एक डबल क्रोस है दो डबल क्रोस है और ये तीन डबल क्रोश है अब इसके नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ भी एक डबल क्रोस है ये दूसरा डबल क्रोश है ये तीसरा डबल क्रोश है दो डिजाइन हो गई हमारी अब तीसरी डिजाइन यहां पे बनेगी एक दो और ये तीन अब देखिए ये जो गैप दिख रही है आपको इसे छोड़ देना है इसे छोड़ देंगे इसके बगल में यहाँ पे बनाएंगे हम क्रोसे पे धागा लेंगे ये जो दिख रही है आपको बड़ी सी गैप यहाँ पे नहीं बनाना आपको इधर घूम जाएंगे यहाँ पे बनाना हमें तो एक बार ले लिया यहाँ पे तीन डिजाइन बनेगी हमारी ये दो डबल क्रोसिया हो गया ये तीन डबल क्रोसिया उसके बाद देखिए एक यहाँ पर बनाएंगे एक यहाँ पर बनाएंगे एक दो और ये तीन दो डिजाइन हो गई हमारी एक दो उधर हमने तीन डिजाइन बनाई थी इधर भी तीन डिजाइन बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन बना लिया हमने उसके बाद देखिए यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे जो सबसे फर्स्ट में हमने बनाया हुआ था इसे हम भी छोड़ देंगे इधर इसको छोड़ देना है आपको ये वाला जो जगह है यहाँ छोड़ना है हमें और सबसे फर्स्ट में जो हमने जहाँ से बुनाई करना शुरू किया था तो वहाँ जाके इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे देखिए कुछ इस तरह से ये बनती हुई आ रही है अब इसे स्लिप करते हुए यहाँ पे आएंगे इसके बीच में यहाँ पे देखिए अब इस राउंड में हमारे पास थ्री थ्री हैं तब टू बन जाएंगे देखिए यहाँ से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फिर सेकेंड राउंड में वन टू थ्री फोर फिर थर्ड राउंड में वन टू थ्री अब इस राउंड में टू बन जाएंगे हमारे पास तो स्लिप करते हुए बीच में पहले आते हैं हम एक बीच में आएंगे इस तरह से अब यहाँ से चेन लेंगे वन टू और ये यह थ्री यहाँ पे बनाएंगे टोटल थ्री डबल क्रोशिया करना है आपको थ्री डबल क्रोशिया कर ली अब नेक्स्ट वाली पे करेंगे हम यहाँ पे देखिए इस बार हमारे दो ही डिज़ाइन बनेंगे एक हो गया ये दो और ये तीन फिर देखिए मुड़ जाएंगे और इधर भी हमारे दो बनेंगे एक यहाँ पे बनाएंगे एक यहाँ पे, तो ये वाला बीच वाली जो जगह है ये जो बड़ा सा जगह दिख रहा है इसे छोड़ते हुए हम उसके नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे ये छोड़ देना आपको जैसे यहाँ पे छोड़ना है उसके बाद अगले वाले में बनाएंगे हम ये एक डबल क्रोस है ये दूसरा डबल है, और ये तीसरा डबल क्रोस है इधर भी हमारी एक बन गई देखिए एक दो तीन चार पाँच फिर एक दो तीन चार फिर एक दो तीन अब यहाँ पे दो बनेगी यहाँ पे, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोस है अब जो फर्स्ट में हमने दो डबल क्रिसियाँ बनाया था इधर घूम जाएंगे और यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे सबसे पहली वाली चेन पे डालेंगे यहाँ पे इस तरह से और इसे जॉइंट कर लेंगे अब देखिए यहाँ पे एक बनेगी अब हमारी तब यहाँ से स्लिप करते हुए इसके बीच में आएंगे यहाँ फिर स्लिप कर लेते हैं एक बार स्लिप किया ये दूसरा और यहाँ पे आएंगे ये तीसरा अब यहाँ से चेन बनाएंगे एक दो और ये तीन इसी जगह पे डालेंगे तीन डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो और ये तीन यहाँ पे बनाया हमने अब इधर पलट जाएंगे अब देखिए अब यहाँ पे एक बनेगी हमारी ये जो खाली जगह दिख रही है आपकी यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरह से क्रोशे पे धागा ले लेंगे और यहाँ पे इधर घूम जाएंगे और यहाँ पे एक बना लेंगे हम एक तो और ये तीन तीन बन गई अब सबसे शुरुआत में जिधर बनाया हमने यहाँ से इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे सबसे पहली वाली चेन में लेंगे हम इसे और स्लिप करते हुए इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे इसे हम धागे को कट कर लेंगे देखिए हमारी इस तरह से स्ट्रॉबेरी बनके रेडी हो गई अब यहाँ पे हम रिंग को डालने के लिए बना लेते हैं इस तरह से लेंगे अब देखिए इसके टॉप में डालेंगे यहाँ पे इस तरह से क्रोसे डालना है आपको क्रोसे निकालेंगे हम इस तरह से एक बार इधर पार कर लें इसे फिर यहाँ से हम सेवन चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन सेवन चेन बनाया हमने अब इधर ले जाते हुए हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे सिंगल क्रोसेस से बांध लेंगे एक बार और चेन ले लेंगे हम धागे को काट लेना हमें उसे खींच दे, टाइट कर दें अभी जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम अंदर की ओर छुपाते हुए इस धागे को काट लेंगे इस तरह से पार करते हुए अब यहां से हम कट करेंगे तो ये पता नहीं चलेगी कि हमने कहीं पे बांधा बांधा है इसे अब इधर ले लेंगे और इधर छुपाते हुए इधर कर देंगे हम एक दो डिजाइन नीचे ले जाते हैं अब यहाँ पे इसे हम काट लेंगे ये भी धागा जो है इसे भी हम छुपाते हुए हम काट लेंगे इसे एक बार इधर घुमाते फिर बीच में ले जाएं और अंदर की और फिर हम इसे काट लेंगे सामने काटेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए अंदर घुमाते हुए से धागे को उसके बाद काटना है आपको यहाँ पे देखिए हमारी ये चाबी रिंग बन के तैयार हो गई है अब यहाँ पे इस तरह से आप घूंध ले लें एक और जो भी जिस चीज़ से भी आपको इसे डेकोरेट करना है मोती से करें या फिर स्टोन से आप इसे डेकोरेट कर सकती हैं और देखिए फिर इसे इस तरह से एक चाबी रिंग की जो रिंग होती है उसे इसमें लगा दें तो कितनी खूबसूरत से प्यारे से देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू